नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आने वाले मंथ के बारे में मैं आपके बारे में बताने वाला हूं कि आने वाला जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। इस महीने की शुरुआत से आपकी राशि का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क में कलात्मक ग्रह शुक्र के साथ जुड़ा होगा, जो आपको लाभ पहुंचाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा की संभावना को दर्शाता है। आपकी राशि में बृहस्पति का होना आपको कुछ दृढ़ विकास के साथ आशीर्वाद देने के लिए खास योग बनाता है, जिस योग का नाम है त्रिकोण केंद्र राजयोग, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। लाभ के एकादश भाव में शनि आदर्श रूप से में जो है वो स्थित है और वित्त के दूसरे घर में सूर्य हर कोने से समर्थन प्रदान कर रहा है। साथ ही आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में स्वामी जो है बृहस्पति जो है आपकी राशि बुध और राहु के साथ होगा, जो अहंकार की कुछ समस्याएं भी आपके साथ पैदा कर सकता है। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, जो आपको पदोन्नति या उत्थान के मामलों में आपके लिए अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। 17 जून के बाद सावधान रहें, जब आपके करियर हाउस का स्वामी शनि आपके आय भाव में वक्री गति शुरू करेगा। 20 जून को बुध का अस्त होना आपको जो है राहत के लिए कुछ हद तक इन समस्याओं की तीव्रता को कम कर सकता है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस महीने की शुरुआत से आपके आत्मविश्वास को जगाने के लिए नीच के मंगल के साथ आपके तीसरे भाव में है। बुध और राहु के साथ बृहस्पति की युति आपके लिए दूर स्थानों से प्रोजेक्ट लाने के लिए शुभ रहेगी। 7 जून को बुध का आपकी राशि में प्रवेश एक धन योग बनाने जा रहा है। मंगल और केतु की दृष्टि आपके करियर के दशम भाव पर होगी, जो आपको अपने पेशेवर सर्कल में एक महत्वाकांक्षी छवि पेश करने में मदद करेगी। शनि आदर्श रूप से आपके पेशेवर करियर के दशम भाव में है, जो कुंभ राशि में है, जिसका स्वामी वो स्वयं है। मिथुन राशि में आपके वित्त के दूसरे घर में सूर्य का गोचर केतु से संयोग करेगा, जो आपके वित्तीय मोर्चे को चमकाने में मददगार साबित होगा। 17 जून की बात करते हैं, तो 17 जून को आपके करियर घर में जो शनि वक्री होगा और आपके लिए ये काफी शुभ देखा जा रहा है, जो आपके कार्य क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि का संकेत दे रहा है। अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिना असफल हुए कार्यस्थल पर अधूरे क्षेत्रों को दूर करने के लिए जो प्रयास आपने किए हैं उनको निपटाने में आपको ये मददगार साबित होगा, और जटिल मुद्दों को सुलझाने और पेशेवर गतिविधियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आपको अपने दिमाग का जो है सदुपयोग करना होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी बुध जो है वो इस महीने के पहले दिन से ही जो है वो लाभ के एकादश भाव में बृहस्पति के साथ और राहु के साथ आपको समृद्धि और खुशी प्रदान करने के लिए देखा जा रहा है। 7 जून की बात करते हैं, तो 7 जून को बुध का अपने मित्र राशि वृष में गोचर होगा, आपके घर के नवीनीकरण या बदलाव पर अधिक खर्च ये करवा सकता है। इस महीने की 15 तारीख तक आपके विदेशी संबंधों के 12वें घर में आपकी राशि के स्वामी बुध का सूर्य के साथ संबंध आपके प्रयासों, ऊर्जा स्तर, साहस और मन के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जाता है। कर्क राशि में नीच के मंगल द्वारा धन योग का बनना इस महीने के अंत तक धन के मामलों में आपके लिए एक और शुभ बिंदु है। आपकी राशि के लिए एक अन्य शुभ ग्रह शनि 17 जून से वक्री गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगा, जो आपको राहत प्रदान करेगा, क्योंकि शनि आपके नवम भाव में है। 20 जून को आपकी राशि के स्वामी बुध का अस्त होना आपके लिए अवसरों को कम कर सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर आपको व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी के साथ गलतफहमी की संभावना को कम किया जा सके। बुधादित्य योग इस महीने की 24 तारीख के बाद आपकी राशि में ही बनेगा और ये आपकी मस्तिष्क की उत्कृष्टता को बढ़ाएगा और सुखद प्रदर्शन लाने में भी ये एक सफल योग देखा जा रहा है। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके आय भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ मिलकर आपकी राशि में आ रहा है, जो एक शानदार धन योग बना रहा है और आपको भरपूर धन कमाने के अवसर प्रदान कर सकता है। मंगल आपके करियर हाउस का स्वामी भी है और अपनी नीच राशि कर्क में स्थित है, जो एक मजबूत राजयोग बना रहा है। ये आपको कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि का आशीर्वाद दे रहा है। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
इस महीने की 17 तारीख से शनि की वक्री गति आपके लिए अप्रत्याशित मुकर स्थिति पैदा कर सकती है। इस महीने की 24 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 24 तारीख तक आपके करियर के दशम भाव में 3 ग्रही योग का निर्माण हो रहा है जो आपके उद्यमों के विस्तार में मदद करेगा और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए विकास के अवसर पैदा कर सकता है। और इसके अलावा नए और आकर्षक सौदों के लिए आपको इस समय के दौरान व्यापक यात्रा करनी पड़ सकती है। मिथुन राशि में बुध का प्रवेश 24 जून से आपके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ा सकता है जिससे आप अपने विरोधियों पर हावी हो सकते हैं। आसपास की स्थिति का ध्यान रखें और अपने कृत्य के परिणामों को जो आप करने जा रहे हैं उसके परिणामों के बारे में भी आप जरूर सोचें। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी सूर्य 15 जून तक आपके पेशे के दशम भाव में विराजमान है जो आपको व्यावसायिक सफलता का आशीर्वाद देगा। इस महीने की 7 तारीख को बुध उनके साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएगा और ये जो बुधादित्य योग बनेगा वो आपको आपकी बुद्धि की उत्कृष्टता को बढ़ाएगा। 15 जून के बाद आपकी आय के एकादश भाव में सूर्य का प्रवेश निश्चित रूप से आपको खुश करने के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करेगा। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य के नवम भाव में बुध और राहु के साथ जुड़ा हुआ है जो एक शक्तिशाली यानी 3 ग्रह योग बना रहा है और ये आपको अपने पेशेवर उपक्रमों में बहुत ही आकर्षक अवसर प्रदान कर सकता है। आप इस महीने के दौरान शानदार वस्तुओं या उत्पर जो उन्नत वाहन है उसको खरीदने का भी आप विचार बना सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े और अधिक विशाल घर की आवश्यकता आपको जरूरत महसूस हो सकती है और आप इसका विचार बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अन्य चीज़ें जो है वो सुचारू रूप से आगे चलती रहेंगी। 17 तारीख से शनि की जो वक्री गति है वो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के सप्तम भाव में आपको अपने सामाजिक दायरे में चमकने के लिए एक उचित अवसर प्रदान कर सकता है। 24 जून की अगर मैं बात करूं तो 24 जून के बाद लाभ के एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति आपके सामने महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध होने के लिए नए रास्ते खोलने की एक खास भविष्यवाणी कर रहा है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। बुध गुरु और राहु इस महीने की शुरुआत से ही मेष राशि में एक साथ है। ये 3 ग्रह योग बनाकर चारों ओर एक बहुत ही शक्तिशाली वातावरण सुनिश्चित करेंगे। बुध का अपने मित्र राशि वृष में प्रवेश 7 जून को सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएगा और जिससे आपके करियर में लाभ ही लाभ देखा जा रहा है। आपकी राशि का योग कारक ग्रह शुक्र कर्क राशि में इस महीने नीच के मंगल के साथ होकर आपको हर कोने से सहयोग प्रदान करने के बारे में बता रहा है। अगर 15 तारीख की बात करूं मैं तो 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ साथ विदेशी स्रोतों से संबंध और आपको प्रेरणा के साथ नैतिक जो है वो प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण विकास का संकेत दे रहा है। 17 जून को आपकी जो प्रतियोगिता के 6 घर पर शनि का वक्री होना आपके प्रयासों के शुभ परिणाम देने वाला देखा जा रहा है जो आपकी खुशी के लिए एक नए अवसर का संकेत दे रहा है। इस महीने की 20 तारीख से बुध अस्त अवस्था में आपके भाग्य के नवम भाव में आपको हाल ही में किए गए परिश्रम से सावधानी बरतने के लिए भी कह रहा है। 24 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है जो कि अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए नए अवसरों की भविष्यवाणी भी कर रहा है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह जो है वो कर्क राशि में नीच के मंगल के साथ इस पूरे महीने के दौरान आपके करियर हाउस में होकर आपके पेशेवर मोर्चे के परिदृश्य को फिर से लिखने के लिए जुड़ रहा है, लेकिन यह गोचर आपके व्यक्तित्व में एक अतिरिक्त धार लाने के लिए आपके आत्मविश्वास को प्रज्वलित करता दिख रहा है। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके सप्तम भाव में बृहस्पति बुध और राहु द्वारा 3 ग्रह योग का निर्माण आपके सर्कल में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आपको उभरने का मौका दे सकता है। समय की मांग के अनुसार कार्य करें क्योंकि घटनाओं के प्रवाह के साथ चलना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आपकी सफलता की कहानी को एक और अलग भाषा में लिखने और आपके ईमानदार प्रयासों को सर्वोत्तम संभव परिणाम देने के लिए इस महीने की 17 तारीख से आपका सबसे शुभ ग्रह जो शनि है वो वक्री गति से आगे बढ़ेगा। इस महीने के उत्तरार्ध में जो बुध ग्रह है वो 24 जून को आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेगा और अपनी राशि मिथुन में रहकर काफी शक्तिशाली बनेगा जहां आपके लाभ के लिए मस्तिष्क की उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हुए बुधादित्य योग बनाने के लिए सूर्य पहले से ही विराजमान है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में।
आपकी राशि का स्वामी मंगल कर्क राशि में नीच का होकर शुक्र के साथ आपके भाग्य के नवें घर में मजबूत राजयोग बनाकर आपको सभी समस्याओं को आसानी से हल करने में मदद करेगा। और बुध बृहस्पति और राहु के साथ आपके छठे घर में उपस्थित होने से आपके जो कार्य हैं उनको बिना रुके आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपका चुंबकीय व्यक्तित्व लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ेगी। 7 जून के बाद आपकी राशि पर सूर्य और बुध की दृष्टि एक जो है एक साथ होगी और एक अच्छा योग बनाएगी, जिससे आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य आपके दीर्घायु के 8वें घर में प्रवेश करने के लिए अपना राशि परिवर्तन करेगा और ये आपको अपने महत्वाकांक्षी उद्यमों को वास्तविकता में आकार देने के लिए कठोर रवैये से बचने का एक खास सुझाव भी देता है। इस महीने की 17 तारीख से आपके भौतिक सुख सुविधाओं के 14 भाव में शनि की वक्र गति आपके सुख सुविधाओं के अनुपात को बढ़ाने की कोशिश करेगी। अपनी भविष्य की योजनाओं की कमियों को सही ढंग से सुधारने और उन्हें दोष रहित बनाने की ओर आपको खास ध्यान देना चाहिए। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति इस महीने की शुरुआत में बुध और राहु के साथ आपकी प्रतिभा के 5वें भाव में युति कर रहे हैं, जो शिक्षा संबंधी खर्चों की संभावना को व्यक्त करता है। 7 जून को बुध वृष राशि में प्रवेश कर सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएगा, जो आपको उत्कृष्ट फल प्रदान करने में मदद करेगा। इस महीने की 15 तारीख के बाद सूर्य मिथुन राशि में आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें भाव में प्रवेश करेगा, जो आपको शुभ फल प्रदान करेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। आपके प्रयासों को अधिक उत्पादक बनाने और इस क्षेत्र में मदद के लिए शनि जो है 17 जून को वक्री गति से आगे बढ़ेगा। 20 जून से बुध की अस्त अवस्था आपको अपने शरीर के वजन को नियंत्रण में रखने के लिए अपनी कैलोरी की जांच करने की के लिए आपको कह रहा है। कमजोर मंगल और शुक्र इस पूरे महीने के दौरान आपके अष्टम भाव में विराजमान है, जो आपको सुरक्षित रहने के लिए किसी भी मोर्चे पर अति आत्मविश्वास से बचने का सुझाव दे रहे हैं। बुध 24 जून को अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेगा और सूर्य के साथ मिलकर पुनः जो वो एक खास योग बनाएगा, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र इस पूरे महीने के दौरान सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके 7वें भाव में नीच के मंगल के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपको आर्थिक सफलता प्रदान करेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और चीज़ों को अधिक पेशेवर तरीके से प्रबंधित करें। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य आपके 6वें भाव में होगा, जिससे आपको अपने संघर्षों को कम करने और अपने प्रतिस्पर्धियों और प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए प्रेरित करने में आपको खास मदद देगा। आपको कई दूर स्थानों से उत्साहजनक समाचार सुनने को मिल सकता है, जो निश्चित रूप से आपके लिए उत्साहवर्धक हो सकता है। दूसरों के मन में अपनी जगह बनाने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों के साथ अपने विचार साझा करें। किसी भी योजना में बड़ी राशि का निवेश बिल्कुल न करें। कुंभ राशि में शनि का वक्री होना व्यापक अध्ययन और विचार मंथन सत्रों के माध्यम से जो आगे बढ़ने के लिए और इसके अलावा अध्ययन और विचार मंथन सूत्रों के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि दिखा रहा है। इस महीने की 20 तारीख से बुध ग्रह अस्त होने जा रहा है, जो आपके करीबी रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है, परंतु बुध 24 जून को अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेगा और सूर्य के साथ मिल करके आपकी प्रसन्नता के लिए बुधादित्य योग बनाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह जो है शुक्र नीच के मंगल के साथ प्रतियोगिता के 6वें घर में है। यह आपको इस पूरे महीने के दौरान संघर्षों का सर्वोत्तम फल प्रदान करेगा। सूर्य पहले से ही आपके 4th भाव में मौजूद है, जो आपकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। जब 7 जून को बुध सूर्य के साथ मिलकर मिल जाएगा तो एक खास योग बनेगा, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं, जिसकी हम बार बार चर्चा भी कर रहे हैं। ये आपके लिए क्या काम करेगा? ये आपको जो प्रमुख प्रोजेक्ट है, जो लंबे समय से जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, उनको शुरू करने में मदद करेगा। बुध गुरु और राहु पर शनि की दृष्टि आपको एक दृढ़ मन के साथ बेहतर संकल्प अपनाने का सुझाव दे रही है। सूर्य इस महीने की 15 तारीख को मिथुन राशि में आपके 5वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपके लाभ के लिए धन कमाने के नए रास्ते बन सकते हैं। 17 जून को शनि का वक्री होना आपकी स्थिति को अधिक सटीकता से प्रबंधित करने में मदद करेगा।
आकाश में आपके ग्रहों के गोचर के कारण इस समय आपके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की सलाह दी जाती है और इस महीने की 20 तारीख के बाद बुध ग्रह का जो अस्त होना है वो आपको ये कहता है कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं आप अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखें, कानूनी औपचारिकताओं को आप कर करना चाह रहे हैं तो उसको आपको सही तरीके से करने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति अब आपकी वाणी के दूसरे भाव में बुध और राहु के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको अपने भावों को नियंत्रित करने के लिए कह रहा है। आपके वित्त के दूसरे घर में शुभ तीन ग्रह योग का निर्माण आपको व्यस्त रखने के लिए काम का एक व्यस्त कार्यक्रम बना सकता है। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के नवे घर का स्वामी है और इसलिए आपकी राशि के लिए एक शुभ ग्रह की भूमिका निभाता है। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश अधिकार संपन्न लोगों से लाभ की संभावना का संकेत दे रहा है। 17 जून को शनि का वक्री होना आपकी आय और व्यय के बीच के अंतर को कम करने में सक्षम है जिससे आपको आर्थिक तनाव से काफी राहत मिलेगी। आपके अस्तित्व के संघर्ष को कम करने के लिए इस महीने की 20 तारीख को बुध ग्रह अस्त होने जा रहा है। सेहत के मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। बुध 24 जून को अपनी राशि मिथुन में प्रवेश करेगा जो सूर्य के साथ मिलकर के एक खास योग बनाएगा बुधत्व योग जिसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। दर्शकों ये हमने एक सामान्य राशिफल की बात करी। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी राशिफल हमसे जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।